शिमला ये वो जगह जहां पर पर्यटक भारी तादाद में पहुंचते हैं हर साल सतेंद्र, लेकिन अभी सूरज देवता के दर्शन के लिए वहां पर भी इंतजार करना होगा, गुजरात में भी इंतजार करना होगा। ठंड भी शिमला में इस वक्त काफी ज्यादा पड़ रही होगी, आप काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री हालांकि अपना आत्मविश्वास जरूर दिखा रहे हैं, जब आज तक का एग्जिट पोल हुआ और 35 सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई नजर आई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं देखिए भाई, एग्जिट पोल ये खराब और गलत साबित होगा, बीजेपी की ही सरकार बनेगी चूंकि हमने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा हो, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी जबरदस्त तरीके से वहां पर प्रचार प्रसार किया है। हिमाचल प्रदेश में भी सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ये जो आत्मविश्वास है बीजेपी का, ये कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसके मद्देनजर सीएम की ओर से दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए चित्रा, बड़ा दिलचस्प रहा है ये चुनाव, मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जो मुद्दे उठाए, उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल से वंदे भारत ट्रेन शुरू की, हम हिमाचल में एम्स लाए, उन्होंने अयोध्या का मुद्दा यहाँ पर उठाया, मंदिरों की तस्वीरें हिमाचल में जगह जगह पर लगाई। लेकिन कांग्रेस ने जनता की नब्ज को पकड़ा और कांग्रेस जो है मुद्दे उठाकर लाई, ओल्ड पेंशन स्कीम, अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, सेब के बागवानों का, और इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाली, अमित शाह गृहमंत्री यहां पर आए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता आए, राजनाथ सिंह हो, कोई किसी भी बड़े नेता का नाम आप ले लीजिए, वो यहां पर चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस में जरूर राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने यहां पर नहीं आए, प्रियंका गांधी ने कमान संभाली, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डबल इंजन का नारा दिया गया और यहां पर लगभग हम लगातार बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कर रहे हैं। लेकिन एक और पार्टी जिसने पहली बार इन चुनावों में ताल ठोकी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में या गुजरात के चुनाव में हम आम आदमी पार्टी की चर्चा करते हैं, लेकिन हिमाचल के चुनाव में पहली बार अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर आए और जिस तरीके से वहां पर लिखित गारंटी दे रहे हैं, इसी तरह की गारंटी अरविंद केजरीवाल ने यहां पर भी दी और यहां पर भी ये कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। हालांकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, अरविंद केजरीवाल पीछे हटते गए और उन्होंने हिमाचल का रुख छोड़कर गुजरात की तरफ कर लिया। फिलहाल थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि अगर हिमाचल में खड़े हो और पहाड़ और ये ठंड का नजारा ना दिखाएं तो तसल्ली नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने जो है डबल इंजन का नारा दिया था, लेकिन इतना जरूर तय है चित्रा की डबल इंजन का तो मुझे पता नहीं, यहां पर डबल डबल कपड़े जरूर पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि ठंड लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर शिमला का हो जाता है। तस्वीरें आप देख रही हैं, हल्की हल्की रोशनी छाने लगी है पहाड़ों से और जैसे जैसे ये रोशनी बढ़ेगी वैसे वैसे अब चुनावी अपडेट भी शिमला से और पूरे हिमाचल से आने शुरू हो जाएंगे। 68 विधानसभा की सीटें हैं, 59 जगह पर काउंटिंग हो रही है 59 हॉल्स के अंदर और बहुत जल्द चुनावी अपडेट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये चुनाव जो है इतना दिलचस्प चुनाव हिमाचल में कभी नहीं देखा गया। हिमाचल में अमूमन तस्वीर यही रहती है कि राज बदलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार नारा दिया राज नहीं बदलेगा बल्कि रिवाज बदलेगा, यानी कि जो परंपरा थी उसको बदला जाएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो अभी भी कह रहे हैं कि रिवाज यहाँ पर कायम ठीक है। देखिए एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर बड़े सारे पशुपेश भी हैं, क्योंकि कल एमसीडी में हम सब ने देखा था अब बीजेपी को 100 क्रॉस करते हुए कोई भी नहीं दिखाया, लेकिन बीजेपी ने एमसीडी में 100 क्रॉस कर लिया था। ऐसे में एग्जिट पोल को लेकर अपने अपने दावे, लेकिन फाइनल आंकड़ा क्या रहता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।